प्रति मंगलवार जलने वाले पुतलों में आज मंदिर के सेवकों ने जलाया फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का पुतला। संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के सेवकों ने शल्य प्रसव के विरोध में एवं प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित कराने के लिए तीसरे मंत्री के रूप में इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला फूंका। ज्ञातव्य हो कि मंदिर के सेवकों के द्वारा जनवरी माह से लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। पहले सेवकों के द्वारा संबंधित मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को ज्ञापन दिए गए। उसके पश्चात 19 जून से प्रतिदिन एक सांसद का पुतला मंदिर के गेट पर फूंका गया। 100 सांसदों के पुतले जलाने के बाद कोई सुनवाई नहीं होने के पश्चात अब प्रति मंगलवार को एक मंत्री का पुतला जलाया जाता है। आज पुतला जलाने वालों में शिवराज सिंह सिकरवार, यशपाल सिंह तोमर, हरिनारायण शर्मा, अरुण तिवारी, राहुल महेश्वरी, कमल किशोर श्रीवास्तव, किशन सिंह तोमर, संजय जैन, विजेंद्र वर्मा, सुरेश गोयल, सुरेंद्र परमार, मोंटी तोमर, चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव, श्याम कुमार शर्मा, राजेश लहरिया आदि उपस्थित रहे। आज मंदिर में मासिक अखंड रामायण के पाठ का समापन हुआ है। सवामन का भोग लगाकर भंडारा चल रहा है। प्रति मंगलवार को होने वाले नियमित पंचामृत अभिषेक कर मूर्ति रूपी हनुमान जी महाराज को चोला श्रृंगार किया गया। प्रतिदिन होने वाले हवन यज्ञ भी चल रहा है। मंदिर में घोषित कार्यक्रम के तहत जो हर मंगलवार को एक मंत्री का पुतला जलाने का आह्वान सेवकों ने किया था, उसके तहत आज तीसरे मंत्री का पुतला सेवकों के द्वारा दहन किया गया है। उद्योग एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला आज सेवकों ने फूंका है। यह कार्यक्रम शल्य प्रसव के विरोध में एवं प्राकृतिक प्रसव सुनिश्चित हो, इसके लिए जनवरी माह से चल रहा है। समय समय पर सभी को ज्ञापन दिए गए। 100 पुतले फूंकने के पश्चात यह मंत्रियों के पुतले फूंकने का यहाँ निर्णय ले गया है, उसी के तहत आज पुतला फूंका गया है। दूसरे, यहाँ अयोध्या में किसी तरह की राम मंदिर निर्माण में विघ्न बाधा ना आए, इसके लिए 4 मई 2020 से लगातार हवन यज्ञ चल रहा है, जो इस समय भी जारी है। और तीसरे, यहाँ प्रति मंगलवार को सवामन का भोग लगता है, भंडारा होता है, वह भी इस समय जारी है। और प्रातः मंगलवार को अभिषेक कर चोला श्रृंगार किया गया है प्रभु हनुमान जी महाराज का, जनहित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। Thank you.
हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।